फैन ऑफ करो जाके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? और आप भी अस्सलाम वालेकुम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, तो आज कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, काफ़ी शॉर्ट सा था। हम लोग कल बर्थडे पे गए हुए थे, तो बस छोटे छोटे से मैंने उधर क्लिप बनाए। अभी पब्लिक में जो है व्लॉगिंग करने का इतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे अंदर, तो इस वजह से मैंने अपना व्लॉग जो है वहाँ पे मैंने नहीं ज़्यादा शूट किया। अरे नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ, नेक्स्ट टाइम कहीं भी गई बाहर तो लाजमी शूट करूँगी। अब वो करना आए ना आए, वो मैं फिर भी पब्लिक में जाकर लाजमी शूट करूँगी, ठीक हो गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही है यार, पब्लिक में नहीं इस तरह, मतलब एकदम से मैं नहीं जाके पब्लिक में शूट कर सकती। मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि यार अच्छा बनाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं, अभी रहने तो बाद में कर लूँगी कभी। अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से अम्मी की, मेरी और बच्चे छोटे वाले जो दो हैं वो भी इतने बीमार हुए हैं एकदम से। एक ये ठीक बच्ची है, बाकी सारे बीमार होंगे, अल्लाह करे ना बीमार हो। तो कल इस वजह से भी मेरे अंदर मेरा जो एनर्जी लेवल था वो बिल्कुल डाउन हुआ था, इस वजह से मैंने कल बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी दिल नहीं किया कुछ करने को। तो कल सारा दिन हम लोगों ने आराम किया, शाम को हम लोग बर्थडे पे चले गए। तो और ये देखिए लगातार जो है बात करते हुए हमें तंग कर ही जा रहा है कि ये कह रहा है कि हम लोग जो है वीडियो क्यों बना रहे हैं लगातार, तब से हमें तंग कर रहा है। ये देखिए मेरे बाल भी खींच रहे हैं बीच में, सारा कुछ खराब कर रहा है। और आज हम लोग सुबह उठ के आज इस वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ा। आज अनायक जो था स्कूल जाना था मैंने। मीर सही से अस्सलाम वालेकुम। आज आप किधर गए थे? आज मीर मेरे स्कूल गया था, मेरा होमवर्क लेके आया स्कूल से। आज मैं खेल रही थी ना स्पाइडरमैन में, खोला। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैं स्कूल गया तो ना ये मेरा होमवर्क लेके आया, पर मम्मा बता रही थी कि इसने ना वहाँ मेरे स्कूल में छोटा सा पार्क बना हुआ, मम्मा कह रही थी ये उधर अच्छी तरह झूले लेके तंग करके आया। आज गर्मी बहुत ज्यादा से रुकती नहीं है, आने से नहीं रुकती कि जाने से नहीं रुकती, जाने से रुकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कार्टून देखने लगते है लाइट चली जाती है, प्ले करने लगते है लाइट चली जाती है। हमारा क्या बनेगा? लाइट जाने होगी अब। मम्मी जी, वीवो वी ये क्या है वीवो वी? मम्मी टूटू मम्मी। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी में हम क्या बनाने लगे हैं? हम आज बड़े मज़े के फ्राइज बनाने लगे हैं। फ्राइज तो नॉर्मल घरों में जिस तरह बनते हैं वैसे ही अक्सर बनाते हैं लोग, लेकिन आज की जो मैं रेसिपी में आप लोगों को फ्राइज बताने वाली हूँ वो बड़े मज़े के बनते हैं। बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब हम सीधा चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आलू जो थे वो काट लिए हैं मैंने और उनको ठंडे पानी में भिगो के रख दिया। ठंडे पानी में आपने इनको भिगो के रखना, ठीक है? और क्या नाम है, इसको आपने 5 मिनट के लिए भिगो के रखना है। और ये देखें आलू मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं, हम इनको थोड़ा सा हमने मोटा ही काटना है इस तरह से जी। तो 1 कप मैदा मैंने लिया है, बड़े वाला जो कप होता है वो मैंने लिया है मैदे का। तो 1 कप, अगर छोटे कप है आपके पास तो आप 2 ले लें। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, कोई भी आप फूड कलर ले लें, उसको ऐसे हल्का सा जो है हमने इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी जो होती है ना भर के वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? अंदाजे से आपने 1 चुटकी जो है भर के वो ले लेना है। अब हमने इसमें जो है 1 चम्मच भर के जो है वो लाल मिर्च का ऐड कर देना, 1 चम्मच जो है नमक का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं, चाट मसाले का 1 चम्मच भर के वो मैंने ऐड कर दिया इसमें।
अच्छा जी, तो एक चिकन क्यूब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर चिकन क्यूब है तो आप इसके अंदर एक चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। चलो ये सारी चीज़ें हैं, अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लेना है। तकरीबन इतना जो है थिक पेस्ट रखना है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम लोग चाट मसाला ऐड करेंगे और कोई चीज़ नहीं हमने इसके अंदर ऐड करनी, ठीक है। बाकी क्योंकि सारी जो चीज़ें हमने वो पेस्ट के अंदर ऐड कर ली थी, तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना सिवाय चाट मसाले के। अच्छा, तो हमने करना क्या है कि जो पेस्ट है इसके अंदर पहले फ्राइज़ को अच्छी तरह हमने डिप कर लेना है, उसके बाद हमने मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह कोट कर लेना। हाथ की मदद से ही करेंगे क्योंकि चम्मच की मदद से ये सही से नहीं होते। इसको हमने ऐसे अच्छे से दबाना है, ठीक है। ये देखें, ऐसे अच्छे से दबाना है और ये देखें इस तरह से जो है वो हमारी फ्राइज के ऊपर जो क्रम्स बनेंगे ना वो बड़े अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के अच्छी तरह मैदा लगा के इनको तो मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, एक एक करके आपने जो है ऐड करना है फ्राई पैन के अंदर ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है। हाँ जी, तो हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हैं, हालांकि इनको बना फ्राई किए हुए काफ़ी देर हो गई है, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, क्रिस्पी हैं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है, इस तरीके से बनाएं। थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।